वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चेफ। तो दोस्तों, बर्गर्स तो सभी को पसंद होते हैं, तो हमें भी बहुत पसंद है। तो देखते हैं आज मेरी मम्मा बर्गर्स कैसे बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लिटिल शेफ्स। और आज हम बना रहे हैं बेक्ड बर्गर्स, जिसके लिए हमें चाहिए कीमा एक पाव। ये मैंने बीफ मिंस लिया है, आप चाहें तो मटन मिंस भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, थोड़ी सी चॉप्ड शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी, जिसमें है सॉल्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च और करी पाउडर। तो रेसिपी करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टेबल स्पून ऑयल में एक दरमियानी प्याज को, जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, इसको हल्का सा सौते करेंगे। को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गुलाबी हो जाए। ऐड करेंगे कीमा। ये देखें व्यूअर्स, इसका पानी अब खुश्क होने लगा है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड करूँ, बस इतना। अदरक लहसुन की महक ख़त्म होनी चाहिए, इतना आपने भूनना है। और ध्यान में रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बर्गर में जाके स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ऑयली हो जाएगी, सॉगी हो जाएंगे बर्गर्स। ये फिर हम अपने बर्गर बंस में फिल करेंगे। अब हम इसमें अपनी ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक, कटी हुई काली मिर्च, इसी लाल मिर्च और करी पाउडर। इसमें कोई ज़ीरा और गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चीज़ और क्रीम ऐड होगी, उसके साथ फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा गरम मसाला और ज़ीरे का, इसलिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इस्तेमाल करते हैं उतना डालें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में एडजस्ट करेंगे टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम करी पाउडर, फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर। ये मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटोज ऐड करूंगी, चॉप टमाटोज। वन टेबल स्पून इसमें दही ऐड करें, इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी बच जाए। वैसे किसी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी टमाटर और दही अपना पानी छोड़ेंगे तो ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। लेकिन अगर आपका कीमा नहीं गल रहा है तो आप फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गला लें अच्छे तरीके से। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो उनको अच्छे तरीके से दबा कर आपने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, बस ये एक स्टीम में ही सॉफ्ट हो जाती है। अब हम अपना क्रीम मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये मेरे पास थिक क्रीम है, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं।
1 कप के बराबर आप इसमें ये क्रीम ऐड करें। इसमें 1 टेबल स्पून मैं क्रीम चीज़ ऐड कर रही हूँ और ये मेरे पास कुकिंग क्रीम है, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। टू टेबल स्पून के करीब मैं इसको ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए। लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसको अच्छे तरीके से स्मूथ बना लें। बर्गर बंस को हम सेंटर से इस तरह से हॉलो कर लेंगे कट लगाकर। ये मेरे पास पिज्ज़ा सॉस है, किसी भी ब्रांड की या होममेड पिज्ज़ा सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस अगर नहीं है तो आप केचप या चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है जिसको थोड़ा सा अभी स्प्रिंकल करेंगे। ये फिलिंग रेडी हो चुकी है, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये देखें अभी अच्छे तरीके से भून कर मैंने उतार लिया है। अब एक एक स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। ये कुछ ऑलिव्स हैं जो कि ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐड करें आप, इसके बगैर भी रेसिपी बन जाएगी। थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दें और पहले से प्री हीट ओवन के अंदर हम ग्रिल ऑन करेंगे, से इसको मेल्ट होने तक हम इसको बेक कर लेंगे।